कुख्यात आरोपी असलेला यवतमाळ जिल्ह्यातील लोहारा येथील शुभम जोगदंडे वय 28 वर्ष हा वॉन्टेड होता. याचा शोध यवतमाळ पोलीस घेत होते. जागोजागी वॉन्टेडचे पोस्टर लावून त्याची माहिती देणाऱ्याला बक्षिसाचे देखील आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले होते. अखेरकार त्याचा नागपुरातील सामाजिक सुरक्षा विभागाच्या पथकाने ताबा घेत त्याला ताजबाग मधून अटक केली आहे. सुभाष जोगदंड करके एक आरोपी है जो कि नामी आरोपी है यवतमाल का, जिसने करीब 16 गुने किए हैं, जिसमें से 13 गुने जो है वो मालमत्ता के और शरीर के विरुद्ध के गुने उसने किए हैं. उस पर तड़ीपारी का आदेश था. तड़ीपारी के दरमियान उसने जून के महीने में वहाँ पे खून किया हुआ था और वो वहाँ से भाग गया था. इसकी जाहिर सूचना पुलिस यवतमाल पुलिस ने दी हुई थी और यवतमाल की पुलिस उसको खोज रही थी. तो कल हमको जानकारी मिली कि ताजबाग के परिसर में ये पाया जा सकता है. तो हमारी टीम वहाँ पे गई और इस आरोपी को हमने अटक करके फिर पुलिस स्टेशन लोहारा, पुलिस जो कि जिला यवतमाल का है, उनको इस बारे में मालूमात देके उनके हवाले उसको कर दिया है. ये आरोपी 2 दिन पहले ही नागपुर में आया था और यवतमाल की जब पुलिस आई तो किसी तरीके से वो वहाँ से फरार हो गया था. यवतमाल से वो फरार था लेकिन नागपुर में वो 1-2 दिन पहले ही आया हुआ था. और ये हमारी खबरियों ने, जो हमारा नेटवर्क होता है उसके तहत ये मालूमात मिली है. ये इसमें जो मालूमात मिली है वो पुलिस अमलदार समीर इनको मिली थी. फिर इनको अटक करने में, इनको हस्तगत करने में जो जिनका सहभाग रहा है वो पुलिस अमलदार समीर के अलावा पुलिस अमलदार अश्विन है, प्रकाश है, शेषराव है, कुणाल है और नितिन वासने. इसी तरीके से महिला पुलिस अमलदार आरती इनका. आरोपी जो है वो यवतमाल जिले में रहने वाला है, शुभम सुभाष जोगदंड करके, 28 साल की उसकी उम्र है और 2014 से उसका क्राइम रिकॉर्ड है.